दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की तरफ मुखारविद विराज जी मंदिर, और आज हम इस मुखारविद विराज जी मंदिर के बारे में जानेंगे। तो आप बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ में, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मुखारविद विराज जी मंदिर की बात करें तो मुखारविद एक गोवर्धन शिला है जो श्रृंगार स्थली के नाम से भी जानी जाती है, और वल्लभ संप्रदाय के अनुसार यह विराज गोवर्धन का मुखारविद है। और यहाँ प्रत्येक वर्ष अन्नकूट पूजन का आयोजन किया जाता है, और यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते हैं एवं दूध पुष्प आदि पदार्थों को यहाँ अर्पित करते हैं और पूजा करते हैं, और अनेक भक्त इस स्थान से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों कलयुग में गोवर्धन पर्वत जिन्हें गिरिराज जी भी कहा जाता है, और इनकी परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा श्रद्धालुओं के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है, और गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है, और गिरिराज जी गोवर्धन के प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त। और दोस्तों इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र का मद चूर करने के लिए ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक अपने वामपद की कनिष्ठ अंगुली पर नख धारण किया गया था। और कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात रूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है, और गोवर्धन की यह परिक्रमा अनंत और फलदायी होती है। गिरिराज गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और गिरिराज गोवर्धन पर्वत लगभग 21 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ है, और गिरिराज पर्वत की परिक्रमा 7 कोसी यानी कि 21 किलोमीटर की होती है। और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा वैसे तो कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है। और दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ मार्केट, और मार्केट में ही इस मंदिर के पास में जस्ट एक दुकान है जो लस्सी पार्टी की बहुत ही फेमस है, और यहीं पर श्रद्धालु जो लोग आते हैं इस लस्सी वाली दुकान से वो लस्सी पी कर जाते हैं, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर लस्सी बनाई जाती है। आप देख पा रहे हैं ऊपर मशीन लगी हुई है, और यहाँ की जो लस्सी होती है दोस्तों बहुत ही टेस्टी होती है, और यहाँ पर श्रद्धालु लोग जो आते हैं वो यहाँ से इस दुकान से लस्सी ज़रूर पीते हैं, और पीने के बाद वो मंदिर में जाते हैं कई बार, और कई बार मंदिर में जाने के बाद वापस आते समय लोग यहाँ पर लस्सी पीते हैं। तो ये मथुरा के अंदर है दुकान। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।